नमस्कार दोस्तों, आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम आपके सामने है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो किसी भी बैंक एग्जाम को पहली बार दे रहे हैं, या फिर इस वर्ष का एक प्रकार से कह सकते हैं ये पहला एग्जाम है जो यहां पर काफी सारे एस्पिरेंट्स अटेम्प्ट करने वाले हैं। चिंता बहुत ज्यादा होती है, कोई भी एक एग्जाम आता है डर बहुत ज्यादा हो जाता है, और खासकर ये डर तब बढ़ जाता है जब हम ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स में फेल भी हो चुके हैं। चलिए आज आपको बताता हूं एक ऐसी कहानी जो कि दो स्टूडेंट्स के बारे में थी। ये दो स्टूडेंट्स जिन्होंने कड़ी मेहनत की, पूरी रात दिन एक करके अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया, और जब वो मॉक टेस्ट लगाते थे तो उनके सिमिलर मार्क्स ही आते थे। कभी किसी के एक नंबर ज्यादा आ गया, कम आ गया, ऑलमोस्ट सिमिलर मार्क्स। बट जब एक्चुअल रिजल्ट आया तो उनमें से एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट से काफी बेहतर परफॉर्म किया। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा केवल इसीलिए हुआ कि यहां पर एक्चुअल एग्जाम के वक्त आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, ये उस वजह से हुआ। एक स्टूडेंट के यहां पर स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही सुकून, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही रिलैक्स वे में था, और उसने बहुत ही अच्छा, ऑब्वियस है, वो परफॉर्म कर पाया अपने रियल एग्जाम में। उसको किसी भी तरह का डर नहीं था। लेकिन दूसरा स्टूडेंट्स बिल्कुल अपोजिट, उसके मॉक टेस्ट में मार्क्स सिमिलर आ रहे थे लेकिन फाइनल उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। हम में से बहुत सारे लोग इसी तरह की उलझनों से उलझे रहते हैं। बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते रहते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना कंपटीशन है, मैं कहां टिकने वाला हूं, मेरी जो सक्सेस के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। अगर टफ पेपर आ जाता है तो क्या मैं सारे के सारे सवाल हल कर पाऊंगा? और इन सब को लेकर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हो। We got too stressed over the things which are not in our hands. और हम रिलैक्स होने की बजाय, जो कि आपको एग्जाम से एक रात पहले होना चाहिए, वो आप बिल्कुल नहीं हो पाते, और पूरी रात आपकी जो एनर्जी है ना, वो केवल और केवल इसी चीज में चली जाती है, यही सोचने में चली जाती है कि यहां पर आपका एक्चुअल रिजल्ट क्या आएगा। इसी में सोचते रहते हो, यही सोचते हो ना तुम, क्या होगा मेरा रिजल्ट, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, मैं अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मेरा रिजल्ट नेगेटिव आया, मैंने तैयारी बहुत की है, एग्जाम बहुत टफ आया तो मैं क्या पर स्टैंड करूंगा, मेरे से बेहतर बहुत लोग हैं। इस तरह के ना जाने कितने सवाल तुम्हारे मन में आते रहते हैं। एक बात याद रखना, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। You have to believe in yourself. You have to keep faith in your hard work that you have done in all those months. आपको believe करना पड़ेगा अपनी मेहनत में। तुम यहां तक क्यों आए हो और तुमने इतनी मेहनत क्यों करी है और किस लिए कर रहे हो, ये तुम्हें believe रखना पड़ेगा अपने ऊपर। भगवान कृष्ण ने भी श्री भगवत गीता में कहा है, कर्म करता चाल, फल की चिंता मत कर। जो भी आपका रिजल्ट होता है वो आपका मोटिव, उसको मत बनाइए। आप सिर्फ और सिर्फ कर्म करते चलिए, मेहनत करते चलिए, फल आपको, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। किसी भी तरह का स्ट्रेस इस एग्जाम से पहले मत लो, किसी भी एग्जाम से पहले मत लो, क्या मिल जाएगा स्ट्रेस लेकर, मुझे बताइए आपको मिल क्या जाएगा? कुछ नहीं हासिल होगा, टेंशन बढ़ेगी दिमाग में। जाइए, अभी निकलिए, वॉक कीजिए बाहर, छत पे जाइए, टहलिए, बढ़िया सॉन्ग सुनिए, गाने सुनिए, मूवी देखिए, अभी यार कोई वेब सीरीज आई है, कोई मोटिवेटिंग मूवी देख लीजिए, कोई भी मूवी आपके सामने है, जो अपनी फैमिली के साथ अभी टाइम स्पेंड कीजिए, मम्मी पापा से बात कीजिए, कुछ भी बात कीजिए, अपने छोटे भाई बहन किसी के साथ भी बात कीजिए, सोचना छोड़ दीजिए, और जैसे ही आपको नींद आने लगे सो जाइए। सुकून भरी जिंदगी, सुकून भरी नींद आपको आनी चाहिए। और आखिर में सिर्फ सिर्फ यही कहूंगा, एट द एंड ऑफ द डे आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपने रिजल्ट को बंधु,
आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो अपने एफर्ट्स को, अपने फोकस को। सो गिव योर बेस्ट ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम, नॉट थिंकिंग अबाउट व्हाट आउटकम यू मे गेट, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सोचकर चिंता मत करा इंसान, जो होगा बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा ही होगा। शुक्रिया।